नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते चार दिनों से कुमाऊं के दौरे पर हैं। शनिवार को चौथे दिन अल्मोड़ा के राज अतिथि गृह पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए त्रिवेंद्र रावत ने कहा, उपचुनाव को लेकर फैसला चुनाव आयोग का होता है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को विधानसभा की सदस्यता दिलाने के लिए चुनाव होगा या नहीं, उस पर कोई निजी जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरा दौरा सेवा ही संगठन दो में कार्यकर्ताओं द्वारा संक्रमण में किए जा रहे हैं। रविवार को रामनगर में कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन बैठक है, जिसमें आने वाले 2022 चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना जाँच फर्जीवाड़ा मामले में उन्होंने कहा, मामला उच्च न्यायालय पर है, टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पिछले चार दिन से मैं कुमायूं मंडल में भ्रमण पर हूँ, आज चौथा दिन पूरा हो जाएगा। इस दौरान पार्टी के जो प्रोग्राम हैं, सेवा ही संगठन के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को उनकी जो आवश्यकता है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है या किस तरह से कार्यकर्ता उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये थी हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।